चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इससे जस्ट पहले हमने ये देख लिया है कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना आएगा, ठीक है। फिजिक्स के वेरियस एप्लीकेशन हमने देख लिए। अभी हमें फिजिक्स जो हम 11, 12 में आगे भी जहां पढ़ेंगे फिजिक्स, उसमें दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगते हैं, ठीक है। वो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। तो जो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसको बोला जाता है यूनिफिकेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल को बोलेंगे हम यूनिफिकेशन, और सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है हमारा रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, ठीक है ना। तो इन दो प्रिंसिपल का यूज करके आप पूरी फिजिक्स खत्म कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शनिज्म, ठीक है। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स के, अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिफिकेशन, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल नाम याद होगा, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रिंसिपल जिसका नाम है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप वर्ड को देखें यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन क्या मतलब समझ में आ रहा है, कोई चीज का यूनाइट होना का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो यूनिफिकेशन का ही मतलब है कि कुछ चीज इकट्ठा हो गई है ना, तो अब क्या चीज इकट्ठा होगी जरा देखते हैं। तो अगर इस प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो मैं पहले लिख देता हूं कि इसमें आप लोग भी नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यूनिफिकेशन प्रिंसिपल कहता क्या है या होता क्या है ये देख लें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वेरियस फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन। देखो इंपॉर्टेंट है कि अभी अपन एग्जाम्पल से समझ लेंगे, वेरियस फिनोमिना उसको अंडरलाइन करेंगे, वेरियस फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन थ्रू फ्यू लॉस। ये यूनिफिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास आपके जो बहुत सारे फिनोमिना है फिजिक्स में, अपने बहुत सारे फिनोमिना जो स्टडी करने उनको आप कुछ लॉस से समझ सकते हो, बहुत सारे फिनोमिना को आप कुछ दो तीन चार लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट उनसे आप समझ सकते हो। तो बहुत सारे फिनोमिना को, बहुत सारी जो चीजें फिजिक्स के अंदर हो रही हैं उनको आप कुछ लॉज से समझ सकते हो, ये है यूनिफिकेशन प्रिंसिपल। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेविटी के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के एग्जाम्पल। लेट अस सपोज मेरे पास ये चौक है और मैंने इस चौक को रिलीज किया, जब मैं चौक को रिलीज करूंगा तो चौक नीचे आएगी, है ना। ध्यान सुने, ये जो चौक रिलीज करी है तो रिलीज करने के बाद जो गिर रही है, मैंने फोर्स नहीं लगाया। एक होता है चौक को फोर्स लगा के नीचे गिराना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने फोर्स नहीं लगाया, बस फ्रीली छोड़ दिया, उसको बोला जाता है फ्री फॉल ऑफ चौक। क्या है फ्री फॉल ऑफ चौक, कोई भी चीज को आप फ्रीली मूव कर दो, फ्रीली छोड़ दो तो वो नीचे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल होना, है ना। आपने छोड़ा तो ये फ्री फॉल है। एक होता है आप फोर्सफुली करना, ये बॉल लिया आपने इसे नीचे मारा तो वो बाउंस बैक आती है, वो नहीं बोल रहा मैं, सर फ्रीली छोड़ दिया बिना फोर्स लगाए। तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे लेट अस सपोज फ्री फॉल ऑफ चौक, फ्री फॉल ऑफ चौक, तो अब चौक फ्री फॉल क्यों हो रही है, मतलब चौक को अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो वो नीचे क्यों गिर रही है, आंसर क्या है इसका, ग्रेविटी। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ जो है, अर्थ इज, ये पहला एग्जाम्पल है ना, दूसरा अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। अर्थ सन के आसपास क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला केस वो भी ग्रेविटी से रिलेटेड, दूसरा केस वो भी ग्रेविटी से रिलेटेड, तीसरा अगर आप देखें जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स आर रोटेटिंग अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट्स आर रोटेटिंग अराउंड द प्लैनेट, जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के आसपास रोटेट होती हैं। ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटी है। अब इन तीनों एग्जाम्पल में चौक को फ्री फॉल होना, अर्थ का सन के आसपास रोटेट होना या सैटेलाइट का प्लैनेट के आसपास रोटेट होना, इन सबको एक लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, और वो जो लॉ है वो लॉ है आपका ग्रेविटेशनल लॉ, या इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल लॉ, इसको अपन 11th में आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि इतने सारे फिनोमेना और भी बहुत सारे फिनोमेना है, ग्रेविटी से रिलेटेड वेट है और बहुत सारी चीजें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो सिर्फ एक लॉ से, और वो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये है यूनिफिकेशन लॉ, आप बहुत सारी चीजों को कंप्रेस करके एक लॉ के फॉर्म में एक लॉ से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको रख कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, थोड़ा मजेदार भी लगेगा आपको। देखो क्या करते हैं अपन, मैं आपको दो तीन केसेस देता हूँ। मान लो आप झरने पे गए, झरना समझते हो वाटरफॉल, तो जो वाटरफॉल होता है, पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं वाटरफॉल का, ठीक है, तो आपका जो झरना होता है उसमें पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, अप टू डाउन आता है पानी, झरने पे हाइट रहती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है पानी, ठीक है, वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाए? हमेशा पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मान लो आप चाय पी रहे थे, और चाय पी रहे थे आप ग्लास के कप में, और वो आपके हाथ से गिरा और वो टूट गया, ठीक है, वो टूट गया, तो जब आपका गिलास रिलीज हुआ तो वो नीचे गया और टूट गया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो जो टूटा हुआ गिलास है वो नीचे जुड़े और आके आपके हाथ में कप बन जाए? ठीक है, यहाँ पे जो ना थोड़े अजीब से एग्जांपल लगेंगे, आपने जैसे कप को रिलीज किया तो वो ब्रेक हो गया, इसका उल्टा नहीं हो रहा कि वो जो ब्रेक कप था, जो टूटा हुआ कप था, वो वापिस आपके हाथ में आके कप बन जाए, ठीक है। तीसरा, सर्दियों के दिनों में अपन क्या करते हैं कि अपन सर्दियों के दिनों में हैंड रब करते हैं, तो हैंड रब करने की वजह से क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं क्योंकि हीट निकलती है ना, तो हैंड को रब किया, तो जब हैंड को रब किया, आप बोल सकते हो हैंड मूव कर रहे हैं, रब करने में क्या हो रहा है, हैंड मूव हो रहा है, तो जैसे ही हैंड मूव करते हैं अपन, जब रब करते हैं तो हीट निकलती है। ध्यान से देखना है यहाँ पे, जब आपने हैंड को मूव किया, मूव करने से मतलब क्या, जब आपने हैंड को रब किया तो हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई है ना। अच्छा, क्या अब ध्यान से बात सुनना, ये हैंड को रब किया, हैंड को मूव किया पहले आपने, तो हीट रिलीज हुई, हैंड को मूव किया हीट रिलीज हुई। इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, अपन ये दोनों हाथ ले जाते हैं और ऐसे आग के ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना, तो आग से क्या मिलेगी, हीट, तो अपने हाथ हो जाएंगे गर्म, मतलब हाथ को मिल गई क्या हीट, तो अब क्या हीट मिलने से हैंड खुद ब खुद मूव होने लगते हैं क्या, ऐसा भी नहीं होता। जैसे हाथ को ले जाओ और इसे आग पे रख दो, तो हाथ तो गर्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब ये गर्म हो गया चलना शुरू कर देंगे, ऐसा कौन बताएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कुछ चीजें एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं, जैसे वाटरफॉल में वाटर ऊपर से नीचे ही गिर रहा है, कब जो ब्रेक हो रहा है वो अब ब्रेक होके वो जुड़ तो नहीं पा रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, हैंड को जब आप मूव कर रहे हो तो हीट रिलीज हो रही है, यानी ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये जो फिनोमिना है, जो चीजें हो रही है, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हो रही है, ये पीछे नहीं आ पा रही, ये रिवर्स, मतलब ये रिवर्स नहीं आ पा रही, ये वाली और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो कि वो रिवर्स नहीं आ रही है। तो अब इसके लिए फिजिक्स ने एक लॉ दिया है, और उस लॉ का बोला जाता है, ध्यान से, उस लॉ को बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जो कोई भी फिनोमेना है वो एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो उसको एक्सप्लेन करता है। तो अब कोई फिनोमेना एक डायरेक्शन में होगा और दूसरे में नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये इतने सारे फिनोमेना जो एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, पीछे नहीं आ पा रहे, उन सबको भी अपन एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, तो ये क्या एक एग्जांपल हो गया यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन का मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, वो है आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल एक अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप ये समझ सकते हो कि आइंस्टाइन और न्यूटन के लेवल के साइंटिस्ट, ठीक है, तो काफी अच्छे साइंटिस्ट मैक्सवेल, आप लोग ने हो सकता है क्रिकेट में नाम सुना, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, ये वो नहीं है मैक्सवेल, नाम जैसे ही है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी थी, सिर्फ चार इक्वेशन, ध्यान से बात सुनना, मैक्सवेल ने सिर्फ चार इक्वेशन दी, चार इक्वेशन बस, तो उसका नाम है मैक्सवेल फोर इक्वेशन, मैक्सवेल ने दी चार इक्वेशन, लेकिन अब वो चार इक्वेशन इतनी खतरनाक दी उन्होंने कि उससे चार सब्जेक्ट एक्सप्लेन हो सकते हैं। क्या मैक्सवेल की चार इक्वेशन इतनी खतरनाक थी कि हर इक्वेशन से एक सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे पहली इक्वेशन जो दी उन्होंने उससे एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
आप 12th में जब जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हो, उसमें दो चैप्टर होते हैं, ठीक है ना, कितने दो चैप्टर, और उन दो चैप्टर्स में आप देखोगे तो 20 से 30 इक्वेशंस या और ज्यादा इक्वेशन बन सकती हैं ये, और ये एक इक्वेशन से हुआ, चार इक्वेशन है तो एक इक्वेशन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा कवर कर लिया। अब उसको जब आप स्टडी करने जाओगे तो उसमें 20-30 इक्वेशन और बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक इक्वेशन से। दूसरी जो इक्वेशन थी उन्होंने उसमें से वो रिलेट करा, उन्होंने एक नया सब्जेक्ट आया और वो है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितनी इक्वेशंस आ सकती हैं उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, इसमें। तो ये क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है, ये बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारी इक्वेशंस को उन्होंने एक इक्वेशन में कंप्रेस कर दिया। उसके बाद उन्होंने थर्ड इक्वेशन दी जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थी, तो मैग्नेट और मैग्नेटिज्म से जितने भी रिलेटेड इक्वेशन है उसको एक इक्वेशन में उन्होंने कंप्रेस कर दिया। और लास्ट में एक और इक्वेशन दी उन्होंने, और वो उन्होंने ईएम वेव, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, उससे रिलेटेड थी। तो उन्होंने चार इक्वेशन दी सिर्फ, और इन चार इक्वेशन से चार सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें भी आप बहुत सारी इक्वेशन देखोगे, ऐसे बहुत सारी इक्वेशन, मतलब 10-15-20 इक्वेशन, इसमें भी बहुत सारी इक्वेशन, मतलब आप देखते जाओ बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारे कंसेप्ट, इसमें भी बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे। तो इन सब को मिला के देखो, यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन थी, कंप्रेस करके एक इक्वेशन दे दी, बहुत सारी इक्वेशन थी, कंप्रेस करके एक दे दिया। तो ये सब चीजें कायम आ रही यूनिफिकेशन, यानी हम बहुत सारी चीजों को कंप्रेस करेंगे फ्यू लॉस के अंदर, कुछ लॉस के अंदर। ये कहता है कौन सा प्रिंसिपल, यूनिफिकेशन। अब आपको यूनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा रिडक्शनिज्म, सेकंड प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म, सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, रिडक्शनिज्म। अब जरा इसको देख लेते हैं, यूनिफिकेशन समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजों को कंप्रेस करेंगे और एक ही फॉर्म में एक कुछ लॉस से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा जो है कंसेप्ट, जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको बोला जाता है रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं भाई साहब, रिडक्शनिज्म, इसको नोट करें, रिडक्शनिज्म। मैं जरा देख लू बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है आपका रिडक्शनिज्म, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो रिडक्शनिज्म क्या कहता है जरा इधर देखें ध्यान से। रिडक्शनिज्म ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसको आपको नोट भी करना है कॉपी में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी या यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड a large system, if you want to understand a large system, break it into small part, break it into smaller parts. देखो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको कोई बड़ा सिस्टम है उसको समझना है कि यार इसमें ये काम कैसे कर रहा है, तो आप क्या करो ना, उस बड़े सिस्टम को छोटे छोटे सिस्टम में तोड़ दो। जैसे देखो मैं समझाऊं, जैसे आपको यार हुआ यार कि ये रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है, मुझे समझना है कि ये फ्रिज काम कैसे करता है, तो आप पूरा रेफ्रिजरेटर एक बार में समझो, फ्रिज के जो मेन कंपोनेंट्स है ना उसको अलग अलग कर लो और पहले उनकी स्टडी कर लो। जब वो उनकी स्टडी आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फ्रिज काम कैसे करता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, देखो अगर आपको जैसे लेटर सपोज रेफ्रिजरेटर समझना है, क्या समझना है हमें, जैसे रेफ्रिजरेटर समझना है, अब अगर आपको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज समझना है तो उसको क्या करो, उसके पार्ट्स को स्टडी कर लो। अब रेफ्रिजरेटर में चार मेन पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनना, चार मेन पार्ट होते हैं, आपको भले पढ़ना नहीं है लेकिन सुन लो ध्यान से। एक होता है आपका कंडेंसर, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, एक होता है आपका कंप्रेसर, कंडेंसर कंप्रेसर, एक होता है आपका एवेपोरेटर, एवेपोरेटर, और एक होता है आपका थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व, थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व, थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व। अब हमें रेफ्रिजरेटर समझना है, एकदम बड़ा सा एक सिस्टम है उसको समझना है, तो हम उसको नहीं समझते, काम करते हैं उसके जो पार्ट्स हैं उनको समझते हैं, पहले कंडेंसर की स्टडी करते हैं, फिर कंप्रेसर की, फिर एवेपोरेटर की, और फिर थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व की। अगर हमने इन सब की स्टडी कर लिया, इन सब को मिला के हमें रेफ्रिजरेटर समझ में आ जाएगा, समझ गए।
जैसे आपको फैन की स्टडी करनी है, क्या ये फैन रोटेट कैसे हो रहा है, तो फैन के अंदर आप पार्ट्स को अलग कर लो, फैन के ब्लेड्स हैं उसको अलग कर लिया, ठीक है, फैन के अंदर जो मोटर लगी है उसको अलग कर लिया, फैन में कंडेंसर लगा होता है उसको अलग कर लिया, अब इन तीन पार्ट्स को आप स्टडी कर लो आराम से, तो आपको पूरा फैन की वर्किंग समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको कोई लार्ज सिस्टम है और वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार काम कैसे कर रहा है, तो उस सिस्टम को दो तीन पार्ट्स में या स्मॉलर पार्ट्स में आप ब्रेक कर दो। यही प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म का। तो दो प्रिंसिपल हमने सीख लिए, फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या कहता है कि बहुत सारे फिनोमेना को हम कुछ लॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रिडक्शनिज्म ये कहता है कि बड़े सिस्टम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझ सकते हैं। ओके।